हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल खरकवाल और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे उत्तराखंड के लोग मधुमक्खियों को अपने घर पर पालते हैं और उनका शहद निकालते हैं। पूरा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ उत्तराखंड में लोग अपने घरों की दीवारों के अंदर की तरफ से एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं और बाहर की तरफ से एक छोटा छेद कर देते हैं और उस पर गुड़ या कुछ मीठी चीज़ रखते हैं, जिससे अट्रैक्ट होकर मधुमक्खियाँ अपने आप चली आती हैं। अगर उन्हें वो बॉक्स अच्छा लगता है तो वो वहाँ पर रुकती हैं, नहीं तो वो चली जाती हैं। तो ये है अंदर से वो मधुमक्खी का छत्ता, एक ये है और एक ये है और एक है यहाँ पर, ये रहा। शहद निकालने से पहले मधुमक्खियों को थोड़ा धुआं लगाया जाएगा ताकि वो थोड़ी देर के लिए अपने छत्ते से बाहर चली जाए। तो अब इसको निकालेंगे, पहले इसको खोदेंगे। बहुत अंधेरा है यहाँ पे, वो देखो अंदर, वो देखिए, दिख रहा है आपको, वो देखिए मधुमक्खी। इनको धुआं लगाएंगे, धुआं लगाएंगे तो ये भाग जाएंगी। वो देखिए अंदर शहद दिख रहा है। तो ये खुल चुका है मधुमक्खी का छत्ता, पर यहाँ पर एक परेशानी आ गई है। परेशानी ये आ गई है कि इन मधुमक्खी ने इस छत्ते को बराबर बराबर में बना दिया है। असल में मधुमक्खी जो छत्ता बनाती है वो एक के पीछे एक बनाती है। इस बराबर बनाए हुए छत्ते को निकालने में थोड़ी परेशानी आती है, तो उसके लिए थोड़ा डिस्कशन होगा। तो यहाँ उत्तराखंड में शहद निकालने का जो टाइम होता है वो एक साल में एक छत्ते से दो या तीन बार आप शहद निकाल सकते हैं। अगर आप शहद निकालने में लेट हो जाएं या फिर शहद ना निकालें तो उस शहद को वो मधुमक्खियाँ खुद ही खा लेती हैं, जैसे यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर मधुमक्खियों ने आधा शहद खुद ही खा लिया है। वो देखिए शहद कितना टपक रहा है। तो ये निकाल लिया है हमने अपना आखिरी टुकड़ा और थोड़ा सा हमें मधुमक्खियों के लिए छोड़ना पड़ेगा ताकि वो इसे दोबारा बना सके। लगभग 6 महीने से भी कम समय लगेगा उन्हें इसे दोबारा बनाने में। अंदर जब शहद निकालते हैं तो सारी मधुमक्खियाँ बाहर आ जाती है, ये देखिए सारी बाहर यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। अब बारी है दूसरे छत्ते की, ये वाले छत्ते को खोलेंगे अब। तो टोटल 3 छत्ते हैं, एक हमने खोल दिया है, 2 बचे हैं। खराब बढ़ रही तेल के रहा है नगु नगु गए छ। ये बड़ा वाला है, हां मम्मी बड़ा वाला खाना खाए था ये मेरा खुद में होगा दान दान में मजे मिल छ तभी वाला वो खाती नहीं बाबू को मेरा चांस नहीं है छोड़ दो। Thank you.
तो इस छत्ते में भी हम थोड़ा सा शहद मधुमक्खियों के लिए रख देंगे ताकि वो उसे दोबारा बना सकें। अब इस छत्ते को हमें वापस से ढकना होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हनी बैजर्स आते हैं, जिन्हें हिंदी में बिज्जू कहते हैं और उत्तराखंड के लोग उन्हें चुतरौ करके बुलाते हैं। वो शहद के साथ साथ मधुमक्खियों को भी खा जाते हैं, इसीलिए उसको ढकना ज़रूरी है। अब तीसरे और आखिरी छत्ते की बारी है, अब इसे खोलते हैं। तो पहले वाले की तरह ही इस वाले में भी मधुमक्खियों ने बराबर बराबर में छत्ता लगाया है, जिसे कि काटने में परेशानी आ सकती है। तो आखिर में सभी छत्तों से शहद निकालने के बाद इस छत्ते को भी सभी छत्तों की तरह बंद कर देते हैं। अब इस निकले हुए छत्ते को एक जालीदार बर्तन में डालकर धूप में रखते हैं ताकि इसमें से शहद अलग हो जाए। फिर बचे हुए छत्ते को एक साफ कपड़े में बांध दिया जाता है ताकि टपक टपक कर सारा शहद निकल जाए। और फिर आखिर में इसे कांच की बोतलों में स्टोर करके रख दिया जाता है। यहाँ कुछ लोग इसको बेचते भी हैं। उत्तराखंड में शहद से जुड़ी हुई एक कहावत है, कहते हैं कि शहद को कभी भी फ्री में नहीं देना चाहिए, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ कीमत देनी पड़ेगी। कहते हैं अगर आपने इसे फ्री में दिया तो आपके घर से मधुमक्खियाँ छत्ता छोड़कर चली जाएंगी। तो ये था लास्ट पॉइंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। और किसी अनदर मज़ेदार टॉपिक के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।